तो उत्तराखंड में भले ही धामी सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति विपक्ष बना रहा है यानी कि कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के जुदा जुदा आंदोलन सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के घर में भी एक आंदोलन किसी और का, दूसरा आंदोलन कहीं और तीसरा आंदोलन कहीं और। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री तक अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। आज बड़े दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। यूं तो कांग्रेस के नेता खुद की एकजुटता के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब आंदोलन और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा विपक्ष को मिलता है तो सब अलग अलग होकर आंदोलन चलाते हुए दिखाई देते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरकार को घेरने के लिए चमोली से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, जिनमें ना प्रीतम सिंह मौजूद होते हैं और ना ही हरीश रावत, तो वहीं हरीश रावत कैंडल मार्च निकालने का आह्वान कर देते हैं, लेकिन उसमें भी उनसे अलग चलने वाले नेता नदारद ही दिखाई देते हैं। अब 21 तारीख को प्रीतम सिंह ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करते हुए सचिवालय कूच करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें तमाम नेताओं की मौजूदगी का दावा तो किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस हालात के बीच एका की दुहाई दे रहे हैं और भाजपाई कटाक्ष कर रहे हैं। कुड़मा ने संभाल ले, चाहे हमारे नेता अलग अलग कर रहे, समस्याओं के लिए कर रहे, जनहित के मुद्दों को लेकर कर रहे, चाहे रावत जी कर रहे, प्रीतम सिंह जी कर रहे, इराज जी कोई भी कर रहा, जनहित के मुद्दे उनको लेकर कर रहे हैं। पार्टी अपने हिसाब से कर रहे और भारत जोड़ो यात्रा में अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुद्दे तो उठा रहे ना, जन मुद्दे, जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे, सरकार के निरंकुशता पर, सरकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जग जाहिरी जन यात्रा कर रहे हैं हमारे लोग। उसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है कि इकट्ठे कर रहे, निर्णय तो पार्टी का है, उसी को लागू कर रहे, सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे, ये लिखना चाहिए, सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, घर में नहीं बैठा। वो कह रहे हैं कर रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? जब ये भारत जोड़ो के नाम से चल रहे थे, भाई भारत जोड़ो नहीं, अपने कांग्रेस जोड़ो में लो, और ये अभी दिखाई देगा और बड़ी संख्या में दिखाई देगा कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी हमको जोड़ो में शामिल करने वाले, बड़ी संख्या में। सर एक अहम सवाल है, कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं का आंदोलन से पहले खुद को एकजुट करने की जरूरत है, जिससे सरकार को घेरने में कांग्रेस ही सफल साबित हो। लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो कांग्रेस सत्ता पक्ष के निशाने पर जरूर आती रहेगी। सौरभ भाटिया, देहरादून। तो अपनी डबली अपना राग, ये है उत्तराखंड कांग्रेस का हाल। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। सीधे तौर पर दो सियासी दलों के बीच अक्सर टक्कर देखी जाती है उत्तराखंड में, और वही सियासी दल दोनों आमने सामने आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और साथ ही कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। साथ ही विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा चेहरों में से एक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल जी, मसला आपके घर का है और शुरुआत आपके घर से ही करते हैं, यानी कि आपसे ही करते हैं। ये बिष्ट जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरा इरादा इंटेंशन वो नहीं है, आप मुस्कुराइए मत, आप मेरी भावनाओं को समझिएगा और जरा उत्तराखंड की आवाम को भी समझाइएगा। एक यहां से, एक वहां से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक दाएं से, एक बाएं से, हैं, चारों तरफ से घेर रहे हो, चारों तरफ से। हरीश रावत जी अपना, प्रीतम जी अपना, करण जी अपना, चारों तरफ से घेरने की रणनीति बड़ी जबरदस्त बनाई शीशपाल जी, कि नहीं? किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझा, लेकिन अगर आप पार्टी के समय नहीं, आप मेरा संदर्भ नहीं समझ रहे। आप देखिए मुस्कुरा भी रहे और मेरा संदर्भ नहीं समझ रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शीशपाल जी आपकी। नहीं, तिलक जी मुझे जवाब देने दें कृपया करके। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक सौहार्द के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा
पर निकली हुई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और भारत जोड़ो यात्रा को जो अपार सफलता मिल रही है आप उसको देख ही रहे हैं। और नहीं, नेतृत्व तो खड़गे जी का है ना, ठीक है, नेता आपके राहुल गांधी हैं। देखिए उसी के उन राज्यों में जहां राहुल गांधी जी नहीं जा पा रहे हैं, उन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकल रही है, और उत्तराखंड में भी आदरणीय करण महाराज जी के नेतृत्व में 7 तारीख को बद्रीनाथ की पवित्र धरती के मार्ग। नहीं नहीं, वो तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बिश्री, देखिए देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मैंने तो खास तौर पर मैंने कहा कि दिखाइएगा, बिश्री नाराज ना हो कि भैया हमें कोई दिखाता नहीं है, मैंने खास तौर पर वो तस्वीरें भी चला रहा हूं। मुझे इतना बताइए, ये चारों तरफ से जो घेरने की इतनी शानदार रणनीति बनाई है आप लोगों ने, तो ये मतलब बिल्कुल एक्सक्लूसिव कि हरीश रावत अलग दिशा में, प्रीतम जी अलग दिशा में और करण जी अलग दिशा में। नहीं नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ तिलक जी, कोई अलग दिशा नहीं है, पूरी एक दिशा है। गंगा चाहे गंगोत्री से निकले, यमुना यमुनोत्री से निकले, काली नदी कहीं से निकले, भागीरथी कहीं से निकले, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, गंगा सागर में मिलना है सभी को। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की आज कुनीतियां है राज्य के अंदर, जो आज बेरोजगारों की नौकरियां बेची जा रही है, बेटी अंकिता की। अच्छा, कुल मिलाकर अभी मैं सुन रहा था शीशपाल जी, क्योंकि मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ, शीशपाल जी, ये जो विपिन जी की पार्टी है ना, ना ना ना, एकजुट होकर के ये विपिन जी की पार्टी है शीशपाल जी, गुटबाजी नहीं है तिलक जी। कौन कह रहा है, मैंने एक बार भी बोला गुटबाजी का जिक्र किया, मैंने एक बार भी किया गुटबाजी का जिक्र, मैंने किया कोई गुटबाजी का जिक्र? आपकी पार्टी में एकजुटता है, वो दिखाई देती है, सारे एक साथ हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, आपकी पार्टी में एकजुटता है सर, किसने कहा गुटबाजी है, कौन कह रहा है? मैंने तो नहीं बोला एक साथ तस्वीरें अभी आपने देखा, गांधी पार्क के धरने में सारे नेता एकजुट थे। आपने कहा कि हरीश रावत जी ने बेटी किरण रावत के, किरण नेगी की आवाज को बुलंद किया, कैंडल मार्च निकाला। शीशपाल जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ। ये विपिन जी की पार्टी आपको बहुत बदनाम करती है, मैं एक छोटा सा सोल्यूशन देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ये जो विपिन जी की पार्टी है बार बार कहती है कि नहीं देखो हरीश रावत जी अपना अकेला और प्रीतम जी अपने अकेले और करण जी अपने अकेले, उनको छोड़ दिया आपने। एक 21 तारीख को प्रीतम जी ने सुनने में आया कोई विधान सचिवालय कूच का ऐलान किया है, वहीं पर ही सबको ले आओ। विपिन जी बोल ही नहीं पाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, हरीश रावत जी को भी ले आओ, करण महाराज जी को भी ले आओ, और हाँ एक वो हरक सिंह रावत जी को भी ले आओ, सबको ले आओ एक साथ। तिलक जी आप 21 तारीख का इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ महंगाई, बेरोजगारी, बेटी किरण नेगी और बेटी अंकिता नेगी के मुद्दों को लेकर के पुरजोर तरीके से एकजुटता के साथ सचिवालय का घेराव करेगी, और कांग्रेस पार्टी आज जनहित के जो भी मुद्दे हैं उनको लगातार उठा रही है, प्रीतम जी के नेतृत्व में पार्टी को इसीलिए परेशान हो रही है। प्रीतम सिंह जी क्या किसी दूसरी पार्टी के नेता है? हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता, बिल्कुल विपिन जी नेतृत्व से। विपिन जी ओके ओके, शीशपाल जी मैं समझ गया, बहुत देर से विपिन जी इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, एक मिनट शीशपाल, मैं यही सुनना चाह रहा था। विपिन जी सुना आपने शीशपाल जी क्या कह रहे हैं? नोट करो, तारीख है 21 तारीख, जब आह्वान किया है प्रीतम जी ने, और पूरी की पूरी समूची कांग्रेस इकट्ठी होगी। शीशपाल जी कह रहे हैं हरीश रावत भी दिखाई देंगे, करण महारा भी दिखाई देंगे, और हाँ वो हरक सिंह रावत भी दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे, और उसके बाद मत बोलिएगा आज के बाद कभी भी। देखो तिलक भाई, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कांग्रेस के नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए तो सही। अब बेचारे क्या है, एक कहावत है, एक सुना है हमने की रोम लुट रहा है, निरो बस्ती बजा रहा है। आज चुनाव चल रहे हैं, गुजरात में चुनाव हो गया, हिमाचल में राजकुमार जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि अपार जन समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो को, हम सबके बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि जन समर्थन नहीं मिल रहा है। अपार जो जन समर्थन है, वो जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा में तब्दील हो रही है, उसके साइड इफेक्ट। आप बार बार ये क्यों कहते हैं हरीश रावत अपने रास्ते चल रहे हैं, प्रीतम जी, अब आपको इतनी क्यों दिलचस्पी है? आप अपने घर को संभालिए ना, आप लोग कह रहे हैं अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, भारत पहले कांग्रेस जोड़ो फिर उसके बाद जो है भारत जोड़ो। देखो तिलक भाई, जिस दिन से इनकी यात्रा युवराज ने शुरू की थी, उस दिन सबसे पहला जो प्लीज ग्राफिक्स चला दीजिएगा जी, सबसे पहले जो है वो गुलाम नबी आजाद छोड़ के गए,
फिर अब धीरे धीरे साइड इफेक्ट उस यात्रा के आ रहे हैं, तमाम लोग छोड़ रहे हैं। अब ये खड़के जी जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनको मानने को तैयार नहीं है। कौन अध्यक्ष है, कौन नेता है, कौन अभिनेता है, ये तो यही जाने। लेकिन देखिए तिलक भाई, इस प्रकार से प्रदेश के हालात, हम तो शुरू से कहते हैं कांग्रेस गुटों में विभक्त कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर ना नीति है, ना कांग्रेस के अंदर नेता है। आपने देखा हरीश रावत जी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला क्या? क्या करण महाराज जी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं है? 21 तारीख को वो अपना एक और कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रीतम जी, अलग अलग अगर दिशाओं में नेता जा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, इनकी यात्रा चल रही है भारत को, भारत जोड़ो यात्रा का क्या है, वो एक अंत इनका उत्तराखंड में चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष संगठन से बढ़कर के क्या व्यक्तिवाद राजनीति हो गई क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन की राजनीति करती है? मैं कहता हूँ ना, कांग्रेस के अंदर तो ना सूत ना कपास, कांग्रेस में भी संगठन है, सूत ना कपास और जुलाहों में लठम लटा है। उनको पता है स्थिति, हरीश रावत जी को भी पता है। अच्छा शीशपाल जी को तैयार नहीं है, शीशपाल जी ये बात जो विपिन जी कह रहे हैं, शीशपाल जी वो करण जी ने अपनी टीम बना ली कि नहीं अभी? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़ उछालने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर कर रही है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये पहले अपने प्लीज ग्राफिक्स चला लीजिए। पिछले 5 सालों में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए प्रदेश को, इनके पार्टी में गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी नहीं थी तो इन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले आप बताइए? खाम खाम है 3 मुख्यमंत्री बदल करके इन्होंने प्रदेश के विकास को अवरुद्ध किया। क्यों आपने प्रदेश की जनता को चलने का काम किया? और 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं इनकी पार्टी में, गुटबाजी नहीं है। अरे पहले अपनी पार्टी को संभालिए, अपनी पार्टी में देखिए क्या। नहीं, मेरा सवाल ये था, मेरा शीशपाल जी से मैं विपिन जी से पूछ लूंगा, मेरा सवाल ये था कि आपने अपनी टीम बनाई कि नहीं? अभी करण जी ने टीम बना ली कि नहीं? देखिए करण महाराज जी की पूरी टीम बनी हुई है और वो रेडी है पार्टी। मैं आपको बता, कांग्रेस पार्टी के अच्छा मुहूर्त कब का निकला है? बदली गई है। मुहूर्त कब का निकाला आपने? अभी नए अध्यक्ष, अभी भी नए? आपको पता, देखिए खड़गे जी के अनुमोदन के बाद ही होगा ना आपको? अच्छा खड़गे जी के अनुमोदन के बाद होगा? नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो नहीं, खड़गे जी तो अभी बने, करण महाराज जी तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो हो ही गए, अभी भी वक्त चाहिए आपको, अभी नए नवेले। तिलक जी, यहाँ पर प्रदेश स्तर से कुछ नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से ही नई कार्यकारिणी जारी होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं 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 नहीं, प्रदेश स्तर पर कुछ भी नहीं होता? यहाँ से नाम भेजे जाएंगे ना, नाम भेजे जाएंगे तो क्या हरीश रावत जी की अनुमति नहीं ली क्या अभी करण जी ने? देखिए मैं यहाँ पर पूरी सहमति प्रदेश कार्यकारिणी में बन गई है, वो पूरी टीम राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जा चुकी है। कब ऐलान करेंगे सर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप शुभ मुहूर्त बताइए ना, कब होगा वो? आप धैर्य रखिए तिलक जी। अच्छा मैं धैर्य रखूं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको निमंत्रण दिया जाएगा पूरी मीडिया जगत को और सब जाके। हाँ ढोल नगाड़े बजा के बजाइएगा सर, ताकि विपिन जी भी सुन पाए। इंतजार है बेसब्री से आपके नेताओं को भी, इंतजार है कि कब होगा है कार्यकारिणी का ऐलान। एक लिस्ट जारी हुई कांग्रेस के घर से अभी हाल ही में, फिर मैं विपिन जी के पास आता हूं। सुनने में आया कि उस लिस्ट में एक पुराने कांग्रेसी का नाम, दिग्गज कांग्रेसी, उनका नाम भी डाल दिया था, वो अब जो है दूसरी पार्टी में चले गए। ये लिस्ट बनी हुई थी, छपी हुई थी, मुझे मालूम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिस्ट बनी हुई है। नहीं नहीं, मैं जवाब देता हूँ तिलक जी। देखिए ये मीडिया पैनलिस्टों की लिस्ट गरिमा जी ने परसों डाली थी, केवल इसलिए कि जो है डिबेट के लिए सुविधा हो, पैनलिस्टों को बुलाने के लिए, केवल वो संज्ञानार्थ डाली थी, वो कोई नई लिस्ट जारी नहीं की। हाँ, ओके, विपिन जी थोड़ा क्रिएट हो गई होगी। हाँ, वो कुछ नहीं है कि कोई नहीं, वो गलत मैसेज चला गया, कोई बात नहीं। विपिन जी सुना आपने, शीशपाल जी कह रहे थे जल्दबाजी के हमारे नए नए वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं और नए अध्यक्ष बने हैं, टीम भी बन जाएगी, लोग लिस्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस मोहर का इंतजार है। देखिए तिलक भाई, देखिए कांग्रेस, मैंने कहा ना कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक गिरोह है और गिरोह का नेता जैसे काफिले गिरोह बनते हैं ना, गिरोह के अंदर जो सरगना होता है, सरगना की चल रही है तो ठीक है, सरगना की नहीं चल रही है तो स्थिति खराब है। ये सरगनाओं की पार्टी है, G23 क्या है आखिर किसको पता नहीं है। ये जो इनके पुराने जो सरगना है वो नए नवेलों को आने नहीं देना चाहते। और आपकी डिबेट में 5 महीने पहले इनके एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमको योद्धा ढूंढने, याद है आपको? वो योद्धा आज तक नहीं मिले इनको, भाई हमारी बात कर रहे। अरे भाई इनका तो मुख्यमंत्री चेंज हुआ पंजाब के अंदर, वहाँ हरीश रावत जी प्रभारी थे, वैसे वो जहां जहां जाते वहां वहां बंटाधार होता है, वो पंजाब में भी बंटाधार करके आ गए। उत्तराखंड की कांग्रेस का तो बिचारों ने बंटाधार किया ही है, खुद का भी बंटाधार हो गया उनका। लेकिन तिलक भाई देखिए,
जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे उन्होंने वहां परिवर्तन करने की बात की, परिवर्तन किया, आपके यहाँ सब सही है, नहीं परिवर्तन किया और उसके हमारे यहाँ तो सब सही है, हमारे यहाँ तो जो नेतृत्व ने कह दिया, जो पार्टी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो उस नेता को मानना होता है, उस कार्यकर्ता को मानना होता है, उस अपने नेतृत्व के खिलाफ हमारे यहाँ कोई इस प्रकार से कभी देखा आपने? तीन तीन अभी ये कह रहे थे तीन बार मुख्यमंत्री बने, कहीं बगावत हुई क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब जब जिसको जो आवश्यकता होती है, जिस काम पर लगाया जाता है, वो कार्यकर्ता उस काम पर लगता है। बात तो सही है ना शीशवाल जी, विपिन जी कह रहे हैं किसी ने बगावत की क्या, किसी ने चू भी बोला क्या? जो आपके यहाँ बेलगाम हुआ करते थे, इनके यहाँ कैसे देखिए कैसे लगाम खींच ली इन्होंने, हैं? और जो लगाम से परेशान हुए वो आप वापस आपके यहाँ आ गए कि नहीं? वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सब कुछ अनुशासन से चलता है, सरगना कोई नहीं होता। देखिए तिलक जी, ये अनुशासन नहीं है, तानाशाही है इनका, तानाशाही इनके यहाँ कोई भी नेता खुल करके नहीं जी सकता, न काम कर सकता है, वहां पर दम घुटता है नेताओं का। और कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, यहाँ पर आप देखिए लोकतांत्रिक तरीके से नेता अपना काम करते हैं, अपनी बात को भी रखते हैं, इसको जिसको ये गुटबाजी कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर अगर नेता ही अपनी बात नहीं कह पाएगा अपने जो है कार्यकर्ताओं से या नेताओं से, तो भैया वो काम कैसे करेगा? आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर गुटबाजी की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ गडकरी जी, उत्तराखंड में आपका नेता कौन है? आपका उत्तराखंड में नेता कौन है? करण महाराज, हरीश रावत या प्रीतम सिंह? नेता कौन है? राज्य अध्यक्ष की रिमोट से चलाने वाली अध्यक्षता की राहुल जी कौन है? नहीं नहीं एक मिनट, हरीश रावत जी, करण महाराज या प्रीतम सिंह कौन है आपका नेता उत्तराखंड? देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की आन बान। नहीं नहीं नेता तो एक ही होता है ना सर, नेता तो एक ही होता है जिसके नेतृत्व में आप लोग चलते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ कौन है? देखिए संगठन तो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलता है। प्रदेश अध्यक्ष आप दिग्विजय सिंह ने बात कही, मैं वो बताता हूँ, आपके दिग्विजय सिंह ने ये बात कही थी कि अध्यक्ष तो आते जाते हैं, नेता एक ही होता है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अध्यक्ष तो आते जाते हैं, अध्यक्ष तो सर अध्यक्ष तो देखिए किशोर उपाध्याय जी भी रहे, अध्यक्ष तो यशपाल आर्य जी भी रहे, अध्यक्ष तो गणेश गोदियाल जी भी रहे, अध्यक्ष तो करण महाराज जी भी रहे, नेता बताइए कौन है? देखिए तिलक जी, अगर कांग्रेस पार्टी में बड़ी मात्रा में और बहुत सारे अगर बड़े नेता हैं जो जनता की आवाज को सुनते हैं, जनता उनको पसंद करती है, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके पास आज जनाधार वाले नेता हैं जो जनता की नब्ज को जानते हैं और जनता उनको पसंद करती है। अगर वो एक से ज्यादा है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी एक सांगठनिक पार्टी और कांग्रेस के संगठन का नेतृत्व तो प्रदेश अध्यक्ष करते हैं और हरीश। अच्छा तो आपके नेता करण महाराज जी है ना? आपके नेता करण महाराज जी है? निश्चित, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरे नेता करण महाराज है, संगठन के अध्यक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी भी इस प्रदेश की नहीं, बार बार आप हरीश रावत जी का ही नाम ले रहे हैं, बड़े मुझे कोई दो राय चुनाव जो जीत के आए वो भी तो बड़ा नेता होता है ना। प्रीतम सिंह जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया उनका? नहीं आपने सुना नहीं? नहीं मैंने नहीं सुना ना, मैंने कहा तिलक जी प्रीतम सिंह जी भी हमारी आन बान शान है, हमें अपने हीरो पर गर्व है। हरीश रावत जी भी हमारे हीरे हैं, प्रीतम सिंह जी भी हमारे हीरे हैं, करण महाराज जी और गणेश दोदियाल जी भी हमारे हीरे हैं। विपिन जी मुस्कुरा रहे हैं, किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। विपिन जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हमारे नेताओं से परेशानी है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे नेता जनता की नब्ज को समझते हैं और जनता पर पकड़ भी रखते हैं, तो इनको परेशानी होना स्वाभाविक है। क्योंकि आज बेटी अंकिता भंडारी जनता की नब्ज को पकड़ते हैं, जनता की नब्ज ढूंढ ही नहीं पाते। जिस प्रकार वीआईपी का नाम छुपाने के लिए पूरी सरकार और पुलिस लगी हुई है। विपिन जी मुस्कुरा रहे हैं, विपिन जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं बहुत जबरदस्त कमेंट आया लाइव में, अभी मैं वो बोलूंगा। प्लीज विपिन जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप शीशपाल जी कह रहे हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अगर घर के भीतर ही कोई आपस में एक दूसरे को लपेट रहा है तो क्या दिक्कत है, ये लोकतंत्र है, आपके यहाँ तानाशाही है। देखिए तिलक भाई, ये परिवारवादी पार्टी है, अभी ये कहते हैं संगठन है, परिवारवादी पार्टी, ये बताए ना इनका राष्ट्रीय नेता कौन? खड़के या राहुल गांधी या जो रिमोट कंट्रोल से पूरी कांग्रेस को चलाती है सोनिया गांधी, आखिर कौन है नेता? एक दूसरा प्रदेश की बात कर रहे हैं कि हमारे नेता नब्ज को पहचानते हैं। अरे भाई कौन सी नब्ज को जानते हैं? वो अपनी विधानसभा में तो नब्ज पहचान नहीं पाए, वो अपनी लोकसभाओं में नब्ज पहचान नहीं पाए, वो पिछली बार दो दो सीटों से लड़े तब नब्ज नहीं पहचान पाए, वो केवल एक नब्ज पहचानते नहीं है, वो
उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की नब्ज दबाना जानते हैं और वो दबा दी उन्होंने। किसकी बात कर रहे हो विपिन जी, कौन है? करण मेहरा जी की, मेहरा जी की नब्ज दबाई हुई है उन्होंने, वो अब तक वही कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अब हमको कह रहे थे, हमको कह रहे थे जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना बने हमारे, तो कह रहे थे कैसे करेंगे क्या करेंगे हम। नहीं नहीं, कौन है वो? आप दो दो सीटों से चुनाव हार गए तो हार गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो बार हार गए, क्या हो गया? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये कह रहे नायाब हीरे, तो ऐसे नायाब हीरे इन्हीं को मुबारक हो, ऐसे नायाब हीरे इन्हीं को मुबारक हो कि नहीं, ऐसे तो मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए थे फिर वहाँ बंटाधार। नहीं, मुख्यमंत्री भी तो अपनी सीट हार गए थे ना। अब राहुल गांधी जी ने अपने साथ, खड़गे जी ने भी अपने साथ रखा है, वहां भी बंटाधार करेंगे। उनका काम ही बंटाधार करना है, पूरी की पूरी उत्तराखंड का। जब वो मुख्यमंत्री रहे तो बंटाधार ही तो किया, मैं आंख बंद कर लूंगा, मेरे प्रदेश को लूट लीजिए। अपनी सरकार को बचाने के लिए जो व्यक्ति अपने प्रदेश को बेच सकता है, अपने प्रदेश को बेचने की बात कर सकता है, उन व्यक्तियों से, ऐसे नेताओं से उत्तराखंड की जनता जानती है, इसीलिए मुंह की खाली पड़ रही है। शीशपाल जी प्लीज जल्दी से, फिर उसके बाद कमेंट आया लाइव में, फिर मैं वो सवाल लूंगा। हाँ देखिए तिलक जी, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ही चुनाव हार गया हो और बुरी तरह से चुनाव हारा हो, उस व्यक्ति को फिर से इन्होंने हारे व्यक्ति को प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया हो, वो यहाँ पर हार जीत की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र का हिस्सा है। नहीं, मैंने इनको कहा, बच्ची सिंह रावत ने हरीश रावत को कितनी बार चुनाव हराया, हराया ना, तो क्या वो नेता नहीं है? है ना, मैं यही बात तो समझा रहा था विपिन जी को, समझ नहीं रहे थे। प्लीज कंटिन्यू। देखिए तिलक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आज प्रदेश में जिस प्रकार से इनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, आप देखिए जिस प्रकार से बेटी अंकिता भंडारी की हत्या में ये डीआईजी का नाम छुपा रहे हैं, जिस प्रकार से केदार भंडारी की आत्महत्या को इन्होंने, हत्या को, अरे आप बता दो ना, आप बता दो नाम, पता है तो पुलिस को बताओ, बागेश्वर के, ऑन टीवी बताओ ना, नाम बताओ ऑन टीवी, आज तो की बात करते हो, अरे आपको पता है तो बताओ ना, भर्ती में जो आत्महत्या की, जिस प्रकार बताया तिलक भाई, मेरा नाम पूछो इनसे, कौन है वो, भारतीय जनता तिलक भाई नाम पूछो इनसे ना, यहाँ चैनल करके बकवास करना, अरे भैया सुन लो, सुन लो, अमेरिका में इंग्लैंड में कौन पकड़ा गया, नेपाल में किस वोट में आई, कब से राज्य के अंदर कौन था, राज्य की राजधानी युवराज से कब के अंदर, ऐसे ऐसे लोग जो इनकी जीवन ही सब में कट गया, इनका जीवन ही गलत जीवन है, बेरोजगारों के पेपर बेचने कभी पूरे नहीं होंगे, कांग्रेस के बेचे जाने का युवराज प्रधानमंत्री बनेंगे और ना आपकी सरकार आने वाली है, सुन नहीं, हिमाचल में भी आप कुछ गाओगे, हिमाचल में देखना क्या हाल होने वाला है। शीशपाल जी, शीशपाल जी प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के भाग गए, शीशपाल जी राज छोड़ के चले गए, दीपाती आवाज को भी सुनिए, जनता की आवाज को भी सुनिए, प्रदेश की जनता आवाज सुन। शीशपाल जी एक मिनट विपिन जी, आप एक मिनट, वक्त खत्म हो रहा है। शीशपाल जी चलते चलते वो लाइव में कमेंट आया, आप बुरा तो नहीं मानेंगे सवाल? नहीं, बोले हाँ शीशपाल जी, वो हो सकता है कोई आपका शुभचिंतक है, वो कह रहा है कि सबने जो है अपने अपने आंदोलन, अपने अपने धरने और अपने अपने प्रदर्शन कैंडल मार्च तक निकाल लिया, चाहे वो हरीश रावत जी हो, करण महारा हो या फिर प्रीतम जी हो, कह रहे हमें एक शख्स का बेसब्री से इंतजार है, वो पता नहीं कब आंदोलन निकालेंगे, उनका नाम है माननीय श्री हरक सिंह रावत जी। जी देखिए, हरक सिंह रावत जी पार्टी के जिन कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया जाता है वो निश्चित तौर पर रहते हैं, और आप मैंने रहते हैं 21 तारीख के कार्य बिल्कुल कांग्रेस, इससे पहले कौन से कार्यक्रम में थे सर? ये मोतियाबिंद हो गया लगता है हमें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने मतदान किया कांग्रेस भवन में आकर के, नहीं मतदान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कार्यक्रम में, कार्यक्रम में बैठे आपने नहीं देखा? नहीं, मोतियाबिंद हो गया, मैं कह रहा हूँ कि कब आपके कार्यक्रम में आंदोलन में शिरकत की, वो तस्वीर दिखाई। तिलक जी और ये जो महोदय पूछ रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर अलग अलग तरीके से अगर जनता की आवाज उठा रहे हैं तो उसमें परेशानी क्या है? मैं तो कह ही रहा हूँ सर, विरोधी काम कर रहे हैं जनता की, आज हमने कब बोला की बात उठा भाई, जन अपेक्षाओं पे अगर खरा नहीं उतर रही है, अगर यहाँ पर बलात्कार और हत्याओं की बात आप उठाइए, शीशपाल जी इनसे नहीं संभल रही है, शीशपाल जी अपनी सरकार की देखते ना, शीशपाल जी वो संघर्ष के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, शीशपाल जी फायरिंग होती है,
अपने रुड़की में जेल के बाहर फायरिंग कर दी आपके से पूछे पैरोल पे कैसे कैसे लोगों शीश पाल इतना गुस्सा मत हो गुस्सा नहीं होते विपिन जी एक मिनट ओके ओके शीशपाल जी गुस्सा नहीं शीशपाल जी क्यों मेरे कार्यक्रम में बीपी हाई मत करा करिए आप टेंशन मत लिया करिए आपसे आपसे बेपनाह मोहब्बत है हमें इतना बीपी हाई मत करा करिए आप इतने बहुत बीपी हाई नहीं है मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था हाँ गुस्सा मत होया करिए मैं तो चलते चलते हुए एक वो पुरानी मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी हमारा एक मित्र था डॉक्टर के पास गया उसको डॉक्टर ने दवाई दे दी पेट दर्द की था उसके सर में दर्द बोला मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ जब तक बीमारी ही नहीं बताओगे डॉक्टर को कि ये मेरे को बीमारी है तो इलाज कैसे होगा फिलहाल आपको आपकी एका बहुत बहुत मुबारक हो आपकी एक जुटता बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी गुस्सा मत होइए बस बहुत बहुत मुबारक विपिन जी थैंक यू सो मच तो ये उत्तराखंड कांग्रेस की एकजुटता की दास्तान अपनी डफली अपना राग क्या वाकई ऐसा ही है क्या अलग अलग आंदोलन ये परिभाषित करते हैं कि नेता अलग अलग चल रहे हैं या फिर यह परिभाषित करते हैं कि सब नेता चारों तरफ से सरकार को घेर रहे हैं यह आप ही तय करिए नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड